नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। अंबाला की टूटी सड़कें अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, जिसकी वजह से अब तक कई हादसे भी हो चुके हैं। बारिश के मौसम में तो ये टूटी सड़कें अक्सर नदियों में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें अंबाला शहर के पॉश एरिया मॉडल टाउन की, तो वहां की सड़कों की हालत पिछले कई सालों से ज्यों की त्यों ही है, जिसे प्रशासन अभी तक नजरअंदाज कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अंबाला शहर को कैंट से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हैं, जिसकी हालत शहर के इनको चौक से लेकर जंडली पुल तक कई वर्षों से ऐसी ही है। बता दें कि शहर के विधायक का निवास भी इस टूटी हुई सड़क से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी वाहन बड़े बड़े गड्ढों से रेंगते हुए निकल रहे हैं। इसको लेकर जब आसपास के लोगों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और अधिकारियों को शिकायत करने पर भी सालों से इसकी यही हालत है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं। कोई नहीं आया जी यहाँ पे बिल्कुल, तो हमारे विधायक जी जो वसीम गोयल, उन्हीं का फर्ज है ना, दौरा करें, देखें मार्केट हालात क्या है। वैसे मार्केट का काम नहीं है, देखो क्या कितनी मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी मिट्टी हुई बड़ी दुकानों पे। लगभग 1.5 से 2 साल होने को आए हैं, इस सड़क का यही हाल है। इस सड़क के ऊपर बिल्कुल भी विधायक जी का ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कभी किसी को चोट लगती है, किसी की गाड़ी ठुकती है, कुछ होता है, कोई ध्यान नहीं है। इनको से लेके जंडली तक तो आप इतने खड्डे हैं, या सड़क खड्डों में हैं या खड्डे सड़क में हैं, मतलब इतने ज्यादा और इतने बड़े बड़े खड्डे, यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो आपने सुना कि इन टूटी सड़कों से लोग कितने परेशान हैं और प्रशासन लोगों की इस परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करें।